Hi everyone, this is R.S. Agrawal from Rankers Classes. IAS की तैयारी के अंदर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एक विनिंग ऑप्शनल है. आप देखिए टॉप 10 में रैंक 2, 5, 6, 8, 9, 10 और टॉप 30 में डजन ऑफ रैंक आ चुके हैं. कॉमर्स सब्जेक्ट की तैयारी के लिए हमने वैरायटी ऑफ कोर्सेज लॉन्च किए हैं. रीजन क्या है? सभी का प्रिपरेशन लेवल एक जैसा नहीं है, सभी की क्वालिफिकेशन एक जैसी नहीं है. तो वैरायटी ऑफ कोर्सेज लॉन्च करने के पीछे हमारे दो बड़े रीजन हैं. सबसे पहले, एवरी कैंडिडेट इज नॉट हैविंग सेम क्वालिफिकेशन. कुछ कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो ग्रेजुएट्स हैं, बीबीए बीकॉम हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो एमकॉम हैं, सीए सीएस. डिफरेंट क्वालिफिकेशंस होने के कारण सभी को एक कोर्स में नहीं पढ़ा सकते. इसी तरह से प्रिपरेशन का लेवल भी डिफरेंट है. किसी ने अभी 2 महीने पहले स्टडी स्टार्ट की है, किसी ने 1 साल पहले स्टडी स्टार्ट की है, और ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 या 3 अटेम्प्ट दे दिए हैं. तो सभी की जो नीड्स हैं वो डिफर करती हैं, नीड्स डिफर करती हैं, क्वालिफिकेशंस डिफर डिफरेंट हैं. तो एक कोर्स सभी के लिए अप्रोप्रिएट हो ही नहीं सकता. इसलिए हमने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए वैरायटी ऑफ कोर्सेज ऑफर किए हैं. एक एक करके लेट अस सी. सबसे पहला हमारा कोर्स है कॉमर्स फाउंडेशन कोर्स. जैसा कि नाम से अपीयर हो रहा है, एक बेसिक से लेकर यूपीएससी स्टैंडर्ड लेवल तक के हमें इसमें तैयारी करवाते हैं. इसके अंदर डिटेल मैनर में तैयारी होती है. ये उनके लिए सूटेबल है जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन की है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या जिन्होंने 2 या 3 साल पहले कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया है लेकिन अब उनको बेसिक्स याद नहीं है. तो आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. फाउंडेशन कोर्स में हम आपके बेसिक्स भी कवर करेंगे, यूपीएससी लेवल भी कवर करेंगे, राइट? और इस कोर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि आपको एग्जाम फोकस्ड बेसिक्स करवाए जाएं, एग्जाम फोकस्ड आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाया जाए. इसके अलावा हम इसमें स्टडी मटेरियल भी देते हैं, राइट? और इसकी जनरल ड्यूरेशन 8 महीने की होती है. अगर आप थोड़ा जल्दी करना चाह रहे हैं तो 6 मंथ में भी कर सकते हैं. उसके लिए कुछ क्लासेज आपको पैरेलल करने पड़ेंगे. लेटेस्ट कोर्स हमारे नवंबर में स्टार्ट हो रहे हैं, जनवरी में स्टार्ट होंगे, उसके बाद मार्च में, उसके बाद जून 25 में स्टार्ट होंगे, राइट? ये है कॉमर्स फाउंडेशन कोर्स. लेटेस्ट सी नेक्स्ट. इसके बाद आता है हमारा कॉमर्स एडवांस्ड कोर्स. जैसा कि नाम से अपीयर हो रहा है, एडवांस मतलब कॉमर्स कैंडिडेट्स की हम एडवांस लेवल की तैयारी कराते हैं. मतलब बेसिक्स पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते, हम यूपीएससी ओरिएंटेड डायरेक्ट कंसेप्ट करवाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, मेंटरशिप पे फोकस ज्यादा होता है. और ये कोर्स उनके लिए ज्यादा सूटेबल है जिनके कॉमर्स में बेसिक्स अच्छे हैं, चाहे आप बीकॉम हो या एमकॉम हो, और खासकर जो प्रोफेशनल्स हैं सीए सीएस सीडब्ल्यूएज एमबीएज, उनके लिए कोर्स हमने स्पेशली डिजाइन किया है. या जिनके पास टाइम की शॉर्टेज है लेकिन वो गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप कॉमर्स एडवांस कोर्स में जा सकते हैं. इसका मेन फोकस है कि कैंडिडेट का टाइम वेस्ट किए बगैर एग्जाम ओरिएंटेड उसको गाइडेंस देना, एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स कवर करवाना, एग्जाम ओरिएंटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाना. और जनरली इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स होती है. अगर आप इसको 4 मंथ्स में करना चाह रहे हैं तो पैरेलल क्लासेस करके इसको 4 मंथ में भी कवर कर सकते हैं. ये कोर्सेज भी हमारे नवंबर जनवरी मार्च जून में स्टार्ट हो रहे हैं. हमारे कोर्स की लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं. लेट अस सी नेक्स्ट कोर्स. हमारा जो नेक्स्ट कोर्स है उसका नाम है कॉमर्स क्यूईपी, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम. जैसा कि नाम से अपीयर हो रहा है कि एक लेवल की तैयारी करने के बाद अब हमें उससे ऊपर जाना है. उससे ऊपर के लेवल की तैयारी करने के लिए हम क्वालिटी को एनरिच करते हैं. 12 पॉइंट्स हमारे क्वालिटी को एनरिच करने के लिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, यूज ऑफ डायग्राम, यूज ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स, यूज ऑफ कॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स, यूज ऑफ कोटेशंस. इस तरह से 12 पॉइंट्स पर हम आपको रेडी करते हैं. ये कोर्स उनके लिए सूटेबल है जिन्होंने ऑलरेडी कॉमर्स को पढ़ लिया है, या एक बार या दो बार आपने मेंस लिख लिया है लेकिन आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप मार्क्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं, या 1 साल पहले आपने कोचिंग पूरी कर ली है लेकिन फिर आप एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें टोटल ड्यूरेशन होगा अराउंड 3 मंथ्स. 1 सप्ताह में 3 क्लासेज लगती हैं तो लगभग 36 क्लासेज होंगी. 36 क्लासेज में हम आपका एक लेवल लाएंगे, राइट? नेक्स्ट जो कोर्स है 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कॉमर्स क्यूईपी.
उसके बाद आइए मेंटरशिप कम इंटेंसिव टेस्ट सीरीज। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें हमारा फोकस दो चीजों पे है। एक, आपको समय समय पर जो है ना मेंटरशिप देना कि क्या तैयार करें, कितना तैयार करें, और दूसरा आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज देना। इसमें सबसे ज्यादा डिटेल में टेस्ट होते हैं। इसमें 3 लेवल पे, बल्कि 4 लेवल पे टेस्ट होते हैं। लाइव कंसेप्ट टेस्ट होता है जो मेंटरशिप वाले सेशन में होता है। उसके अलावा एवरी वीक 2 चैप्टर टेस्ट होते हैं, और सारे चैप्टर टेस्ट पूरा होने के बाद फिर सब्जेक्ट टेस्ट होंगे, और एग्जाम से ठीक पहले कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होंगे। किसके लिए सुटेबल है? जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए सुटेबल है, या जिन्होंने कोचिंग लिए 1 साल हो गया है, अब जिनकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है और वो सिस्टमेटिक ढंग से इसको रिवाइज, सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे मेंटरशिप कम इंटेंसिव टेस्ट सीरीज में आ सकते हैं। इसमें आपको रेगुलर मेरे साथ या हमारे जो दूसरे टीचर हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके अपने प्लान को सही डायरेक्शन में रखने का मौका मिलेगा। आपको पूरी डायरेक्शन मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी। तो यह है कॉमर्स मेंटरशिप कम इंटेंसिव टेस्ट सीरीज कोर्स। इसमें लगभग 6 मंथ लगते हैं चैप्टर टेस्ट लिखने में, उसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट में 3 मंथ्स। मतलब आपको पूरे साल कॉमर्स की तैयारी कराने में हम हेल्प करते हैं, सबसे ज्यादा डिटेल में, और एक पेस्ट मैनर में तैयारी होती है। सो ये है कॉमर्स मेंटरशिप कोर्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉमर्स डा। डा मीन्स डेली आंसर राइटिंग। आज के दिन कंपटीशन के अंदर जल्दी से रिवाइज करना बहुत जरूरी है, खासकर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कॉमर्स को पहले तैयार कर रखा है, तो आने वाले 3 या 4 महीने में वो रिवाइज करना चाह रहे हैं। लेकिन रिवीजन के साथ साथ उनको टेस्ट का प्रेशर चाहिए। वो चाहते हैं कि डेली वो जो पढ़ें उसके ऊपर लिखें। तो इसके लिए हमारा डेली आंसर राइटिंग सेशन है, डेली आंसर राइटिंग डा कोर्स है। ये कोर्स उनके लिए सुटेबल है जिनकी ऑलरेडी कॉमर्स कवर हो चुका है, कोचिंग ले चुके हैं, या 1 या 2 बार मेंस लिख चुके हैं। प्रेशर के लिए डा नहीं है, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन 4 मंथ। 4 मंथ में आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना पड़ेगा, और एवरी वीक आपको 6 दिन टेस्ट लिखने पड़ेंगे। इसकी ड्यूरेशन 4 मंथ्स है। 2 मंथ्स पेपर 2 के टेस्ट होंगे, 2 मंथ पेपर 1 के टेस्ट होंगे। पेपर 1 के थ्योरी और न्यूमेरिकल टेस्ट अलग अलग होंगे, पेपर 2 के सिर्फ थ्योरी टेस्ट होंगे। तो पेपर 2 में 48 टेस्ट होंगे थ्योरी ओनली, पेपर 1 में 48 थ्योरी के टेस्ट होंगे, 48 न्यूमेरिकल टेस्ट होंगे। तो इस तरह से 4 मंथ में वो सब क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे जो यूपीएससी में प्रोबेबल है। सभी क्वेश्चन मैं तैयार करता हूँ, मॉडल आंसर भी मैं तैयार करता हूँ, और हमारी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी कॉपी चेक की जाए और जल्दी से जल्दी आपको फीडबैक मिले। तो अच्छा रिवीजन करने के लिए, अपने सब्जेक्ट के ऊपर होल्ड बनाने के लिए अगर आपको कोर्स चाहिए, तो वह है कॉमर्स डा। 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। किसी भी वीक के स्टार्टिंग में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डेली आंसर के लिए जो ना सब सिलेबस की शेड्यूल मिल जाएगी, माइक्रो टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप तैयारी कीजिए। उसके बाद है स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज। स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज उनके लिए है जो आने वाले मेंस में अपियर कर रहे हैं, क्योंकि मेंस में अपियर करने से पहले हर एक कैंडिडेट आंसर राइटिंग करना चाहता है। उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो चैप्टर लेवल पे तैयारी करे। तो स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज में हम सब्जेक्ट लेवल पे टेस्ट कराते हैं। कॉमर्स में 10 सब्जेक्ट है, तो 10 सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं। इसमें 4 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होते हैं, और प्रीलिम्स के बाद जनरली हम इसे स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स मई में होगा, तो जून, जुलाई, अगस्त, 3 मंथ्स में स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज पूरी हो जाती है। क्योंकि 25 के अंदर टाइम गैप कम है, तो इस बार हमने इसे दिसंबर से स्टार्ट कर दिया है। दिसंबर जनवरी में आप अपने सब्जेक्ट टेस्ट लिख सकते हैं, और प्रीलिम्स के बाद आप अपने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लिख सकते हैं। तो अगर आप कमिंग मेंस में अपेयर कर रहे हैं, तो आपको स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। हाँ, स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज इंटेंसिव में इंक्लूडेड है, डा में इंक्लूडेड नहीं है। आगे आइए पोस्टल कोर्स। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं या कॉमर्स के बारे में डिटेल में नॉलेज लेना चाह रहे हैं, तो आप हमारा पोस्टल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि स्टडी मटेरियल, फाउंडेशन कोर्स, एडवांस कोर्स सभी को मिलता है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आप ये कोर्स ले सकते हैं। इसके 2 इंपॉर्टेंट फीचर हैं। एक है टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल, मतलब हमारे स्टडी मटेरियल में आपको फालतू या बेकार कुछ नहीं मिलेगा, और दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव। इस स्टडी मटेरियल से बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो सभी की रिक्वायरमेंट है। डिफरेंट बुक्स पढ़ने के बजाय आप हमारा स्टडी मटेरियल पढ़िए, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। इसमें पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस भी शामिल हैं, और आप कभी भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस समय 2024 के हिसाब से अपडेटेड स्टडी मटेरियल रेडी है,
आप हमारे वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है पीवाईक्यू सॉल्यूशंस बुक। अगर आप रैंकर्स क्लासेस का पीवाईक्यू देखना चाहते हैं तो पीवाईक्यू सॉल्यूशन बुक भी अवेलेबल है। 1979 से लेकर 2024 तक के सॉल्यूशंस इसमें इंक्लूडेड हैं। ज़्यादातर सॉल्यूशन मैंने ही बनाए हैं, सब सॉल्यूशन ऑथेंटिक हैं, राइट। अगर आप जानना चाहते हैं कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछती है, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, तो आप ये लीजिए। हाँ, हमारे जितने भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, फाउंडेशन कोर्स, एडवांस कोर्स, स्टडी मटेरियल, उनमें ये इंक्लूडेड होता है, राइट। सो ये है हमारे डिफरेंट कोर्सेज। एक हमारा यूनिक इनिशिएटिव है, वह क्विक रिवीजन पॉडकास्ट। यूपीएससी की तैयारी में अच्छे मार्क्स लेने के लिए या किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए बहुत जरूरी है कि एग्जाम से ठीक पहले आपका रिवीजन अच्छा हो जाए, या जब आप टेस्ट लिखें तो उस समय आपका रिवीजन अच्छा हो जाए, और ऐसा रिवीजन हो जो आपको याद रहे। हमारी एक स्टूडेंट हैं आकाशदीप, उनको 180 मार्क्स मिले थे 250 में से। तो हमने उनसे पूछा कि आपने ऐसा एक्स्ट्रा क्या किया, तो उन्होंने कहा सर नोट्स आपके सेम थे लेकिन मैंने रिवीजन अच्छा किया। तो वहां से हमें लर्निंग मिली कि कैंडिडेट्स को क्यों ना रिवीजन के अंदर जो है हेल्प की जाए। तो हमने पूरे सिलेबस पे कॉमर्स में हर चैप्टर पे लगभग 15 से 20 मिनट का एक रिवीजन ऑडियो रिकॉर्ड किया है, जिसे हम बोलते हैं क्विक रिवीजन पॉडकास्ट। जो भी हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करता है या एडवांस कोर्स ज्वाइन करता है या कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है या पोस्टल कोर्स, फुल पोस्टल कोर्स लेता है, उसके साथ ही कोर्स फ्री होता है। लगभग 50 से 60 चैप्टर हैं, सभी चैप्टर्स के ऊपर पॉडकास्ट है। अराउंड 20 मिनट पर चैप्टर पॉडकास्ट है, कहने का मतलब है लगभग 1200 मिनट या 20 घंटे का है। तो 20 घंटे में आप अपने कॉमर्स को बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। और रिवीजन के अंदर आपको स्टैंडर्ड भी पता चलेगा कि मुझे किस चीज़ को ज़्यादा रिवाइज करना चाहिए, किस चीज़ को कम रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे सभी कोर्सेज हैं, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा फाउंडेशन कोर्स है, जो उनके लिए है जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या जिनको कॉमर्स बेसिक से रिवाइज करने की जरूरत है। ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। उसके बाद आता है कॉमर्स एडवांस्ड कोर्स, उनके लिए जिनके बेसिक्स अच्छे हैं या जो प्रोफेशनल हैं। उसके बाद कॉमर्स क्यूईपी, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, जिन्होंने कॉमर्स को पढ़ दिया है या कोचिंग ले ली है और अब नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो क्यूईपी कोर्स ज्वाइन करें। उसके बाद हमारी 3 तरह की टेस्ट सीरीज है। पहला है इंटेंसिव टेस्ट सीरीज। अगर आप पूरे साल टेस्ट लिखना चाहते हैं, कॉमर्स को अच्छी तरह से तैयार करते गए, तो आप इंटेंसिव टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। 3 लेवल के टेस्ट होंगे, बल्कि 4 लेवल के टेस्ट होते हैं उसमें, लाइव, चैप्टर लेवल, सब्जेक्ट लेवल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। उसके बाद आता है हमारा डेली आंसर राइटिंग, जिसमें 4 महीने में आप अपना सिलेबस रिवाइज कीजिए और 148 टेस्ट लिखिए। 1 सप्ताह में 6 टेस्ट लिखने होंगे। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज, उनके लिए जो इस बार अपियर कर रहे हैं। उसके बाद है हमारा पोस्टल कोर्स, जिसमें पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, उसमें पीवाईक्यू बुक भी है, और लास्ट में फ्री में अवेलेबल होता है क्विक रिविजन पॉडकास्ट। जो हमारा पोस्टल कोर्स ज्वाइन करे या कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे या फाउंडेशन कोर्स या कॉमर्स एडवांस्ड कोर्स। हमारे कोर्सेज की और जानकारी लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप विजिट करना चाहें तो राजेंद्र नगर में हमारा ऑफिस है, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।